नमस्कार दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लुब्रिकेटिंग सिस्टम, स्नेहन पद्धति का नाम क्या है? यह जो आप आकृति में स्नेहन पद्धति देख रहे हैं, इसका नाम क्या है आपको बताना है। हैंड प्रेशर फीड, ग्रेविटी फीड, फ्लैश मेथड, पावर प्रेशर फीड। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैंड प्रेशर फीड। इसका नाम क्या है? हैंड प्रेशर फीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कूलेंट ऑयल इज नॉट डिल्यूटेड, कौन सा कर्तन ऑयल तनु नहीं होता है? ब्लेंडेड ऑयल, फैटी ऑयल, स्ट्रेट मिनरल ऑयल, सोल्यूबल ऑयल। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेट मिनरल ऑयल। विच टाइप ऑफ ड्रिल इज यूज फॉर ड्रिलिंग ब्रास, किस प्रकार के ड्रिल पीतल में ड्रिल करने के काम आता है? देखिए यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमें किस पर पीतल पर यहाँ पर ड्रिल करना है, पीतल इस धातु पर ड्रिल करना है, तो कौन सा ड्रिल काम आता है? क्विक हेलिक्स, स्लो हेलिक्स, स्टैंडर्ड हेलिक्स या स्ट्रेट हेलिक्स। तो कौन सा हेलिक्स उस ड्रिल को होना चाहिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, स्लो हेलिक्स यानी धीमा हेलिक्स यहाँ पर होना जरूरी है। विच पार्ट ऑफ द ड्रिलिंग मशीन हेल्प्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ऑपरेटर, ड्रिलिंग मशीन का कौन सा भाग संक्रियक की सुरक्षा के काम आता है? बेस, स्विच, बेल्ट गार्ड, डेप्थ गेज एंड स्टॉप। तो यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन में, विच पार्ट ऑफ द ड्रिलिंग मशीन यानी ड्रिलिंग का कौन सा भाग हेल्प्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ऑपरेटर यानी ऑपरेटर के सुरक्षा के काम आता है, कौन सा भाग आता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो है वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर सी, बेल्ट गार्ड। विच ड्रिलिंग मशीन इज यूज फॉर लाइट ड्यूटी वर्क, हल्के कामों के लिए कौन से ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है? यानी जो भी छोटे छोटे यानी स्मॉल काम होते हैं वह करने के लिए कौन से ड्रिलिंग मशीन का यहाँ पर यूज़ किया जाता है? पिलर ड्रिलिंग मशीन का, रेडियल ड्रिलिंग मशीन का, कॉलम ड्रिलिंग मशीन का या सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन का यूज़ किया जाता है? छोटे कामों के लिए यहाँ पर कौन से मशीन का यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पर सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन का यूज़ किया जाता है, यानी जो भी छोटे छोटे कार्य करने होते हैं, छोटे जो ड्रिलिंग करने होते हैं, वह सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ रिड्यूसिंग स्पीड बाय 1/3 ऑफ टर्निंग व्हील रिमिंग, रिमिंग के दौरान खराद तुलना में 3/4 गति रखने का उद्देश्य क्या है? टू गेट मैक्स फिनिश, अवॉइड ब्रेकेज ऑफ टूल, टू रिड्यूस मैक्स मटेरियल, टू ग्रेस लेस डेप्थ ऑफ कट, कट की गहराई कम देने के लिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औजार टूटने से बचाने के लिए, यानी अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो क्या होगा, टूल टूट जाएगा। विच टूल इज रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोट कटिंग एंड विथ ड्रॉइंग, किस औजार का प्रयोग खोदने और निकालने दोनों में दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हुए किया जाता है? देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, किस टूल का प्रयोग खोदने और निकालने दोनों में दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हुए किया जाता है? डाई का, फाइल का, रिमर का या हैंड कैप का? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिमर का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द स्क्वेयर पोर्शन प्रोवाइड ऑन द शैंक ऑफ अ रिमर, रिमर की शैंक पर वर्गाकार भाग दिए जाने का प्रयोजन क्या है? यानी जो रिमर होता है उसके शैंक में वर्गाकार भाग क्यों दिया जाता है? टू होल्ड इन स्पैनर, पानी से पकड़ने के लिए, टू होल्ड इन ड्रिल चेक में पकड़ने के लिए, टू होल्ड इन टैप रेंज से पकड़ने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, टू होल्ड बाय थ्री जॉ चक में पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर क्यों दिया जाता है वर्गाकार भाग? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू होल्ड टैप रेंज यानी टैप रेंज में भी उसको पकड़ा जा सके।
विच टूल इज यूज टू फिनिश अ ड्रिल्ड होल मैनुअली, किस औजार का प्रयोग ड्रिल किए गए छिद्र को फिनिश करने में किया जाता है, हैंड रेमर का, मशीन रेमर का, काउंटर सिंक ड्रिल का या लार्ज डायर ड्रिल का। तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, किस टूल का प्रयोग ड्रिल किए गए जो होल होता है यानी छिद्र होता है उसको फिनिश करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, हैंड रेमर का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। विच कटिंग फ्लूड इज यूज फॉर टर्निंग कॉपर, किस कर्तन द्रव्य का प्रयोग तांबे की खराद में किया जाता है, मिट्टी का तेल, घुलनशील तेल, चर्बीयुक्त तेल, खनिज तेल। तो यहाँ पर क्या पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, यानी हमें क्या करना है, तांबे की क्या करना है, टर्निंग करना है, तांबे की टर्निंग करना है, तो उसके लिए यहाँ पर कौन सा लुब्रिकेंट यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोल्यूबल ऑयल का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। विच मेथड इज यूज टू लुब्रिकेट द हेड स्टॉक इन मॉडर्न लेथ, आधुनिक लेथ हेड स्टॉक में स्नेहन विधि का प्रयोग किया जाता है, वीक फीड, ग्रेविटी फीड, फ्लैश लुब्रिकेशन, ऑयल पंप मेथड। तो यहाँ पर क्या पूछा है, आधुनिक लेथ के हेड स्टॉक में किस स्नेहन विधि का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जो स्नेहन विधि है वह किया जाता है ऑयल पंप मेथड, ऑयल पंप मेथड इस विधि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और एक कमेंट भी ज़रूर कीजिए। विच कटिंग फ्लूड इज यूज्ड इन एटॉमिक लेथ, स्वयंचलित लेथ में किस कर्तन द्रव्य का प्रयोग किया जाता है, जो ऑटोमेटिक सीएनसी मशीन होता है उसमें किस कर्तन द्रव्य का प्रयोग किया जाता है, ब्लेंडेड ऑयल का, फैटी ऑयल का, सोल्यूबल ऑयल का, स्ट्रेट मिनरल ऑयल का। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्लेंडेड ऑयल का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। वेयर द फैटी ऑयल इज यूज्ड, यानी चर्बीयुक्त तेल कहाँ प्रयोग किया जाता है, ऑटोमेटिक लेथ में, ड्रिलिंग में, हेवी ड्यूटी मशीन में या टर्निंग वर्क्स में। तो यहाँ पर फैटी ऑयल कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो फैटी ऑयल जो यूज़ किया जाता है वह यूज़ किया जाता है हेवी ड्यूटी मशीन में, कौन से मशीन में, हेवी ड्यूटी मशीन में यहाँ पर फैटी ऑयल का यूज़ किया जाता है। वॉट इज़ द टर्म इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, माप की उच्चतम सीमा और न्यूनतम सीमा के अंतर को क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ साइज, बेसिक साइज, टॉलरेंस, जीरो लाइन। तो यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन में, माप की उच्चतम सीमा और न्यूनतम सीमा, यानी क्या मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के बीच के जो अंतर होता है उसके उस अंतर को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर उसको टॉलरेंस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट दिया गया है। वॉट इज द सिस्टम इफ द शाफ्ट इज वराइड टू सेट डिफरेंस क्लास ऑफ फीट, यदि शाफ्ट को विभिन्न श्रेणियों की फीट में बैठने के लिए परिवर्तित किया जाता है तो यह कौन सी पद्धति होगी, ट्रांजिशन फीट, इंटरफेरेंस फिट, होल बेसिस सिस्टम, शाफ्ट बेसिस सिस्टम। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, होल बेसिस सिस्टम होगा। व्हाट इज आल्सो नोन एज फंडामेंटल टॉलरेंस, किसे मूलभूत सहिष्णुता कहा जाता है, टॉलरेंस जोन को, मैक्सिमम टॉलरेंस को, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस को, मिनिमम टॉलरेंस को, यानी यहाँ पर क्या पूछा है, मूलभूत सहिष्णुता यानी फंडामेंटल टॉलरेंस किसे कहा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर फंडामेंटल टॉलरेंस जो होता है वह ग्रेड ऑफ टॉलरेंस को कहा जाता है। हाउ टू एक्सटर्नल फीचर ऑफ कंपोनेंट इंक्लूडिंग विच नॉट सिलेंड्रिकल इज डिजाइनेटेड एज पर BIS के अनुसार, किसी बेलन के बाहरी विशेषताओं को किसी बिना नामित नहीं किया जाता है, फिट, होल, शाफ्ट और डिवीजन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाफ्ट। व्हाट इज द टर्म ऑफ एक्सट्रीम परमिसेबल साइज विद द
With that, the operator is expected to the marks. Operator द्वारा चरम स्वीकार्य माप के साथ बनाने की उम्मीद के लिए क्या शब्द है? Actual size, limit of size, minimum limit of size, maximum limit of size. तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, लिमिट ऑफ साइज इसे कहा जाता है. व्हाट इज एक्चुअल डिविएशन यानी वास्तविक विचलन क्या है? बेसिक साइज, साइज एंड बेसिक साइज, मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज या डिफरेंस बिटवीन लिमिट ऑफ साइज. तो यहाँ पर वास्तविक विचलन क्या है? तो यहाँ पर वास्तविक विचलन जो है वह है ऑप्शन नंबर डी, डिफरेंस बिटवीन लिमिट ऑफ साइज, माप की सीमा के बीच के अंतर को यहाँ पर वास्तविक विचलन कहा जाता है. व्हाट इज कॉल्ड द जनरेटर ऑफ द टू लिमिट ऑफ साइज, माप की दो अधिकतम सीमाओं में बड़ा किसे कहा जाता है? जीरो डिवेशन को, अपर डिवेशन को, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज को, मिनिमम लिमिट ऑफ साइज को. तो यहाँ पर क्या पूछा है? माप की दो अधिकतम सीमाओं में बड़ा किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज को यहाँ पर बड़ा कहा जाता है. तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए. इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. तो चलिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही. तब तक आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्किल, ड्राइंग और यहाँ पर मैथमेटिक्स के भी वीडियोज़ है, तो ज़रूर देखिए. तो चलिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.